नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौर और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है वो साल कैसा जाने वाला है उन लोगों के लिए और उनके साल भर के उपाय क्या रहने वाले हैं ये भी बताऊंगी मैं। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 23 फरवरी 2024 है, माघ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर 3:33 तक और उसके बाद पूर्णिमा। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा शाम 7:25 तक और उसके बाद मघा। शोभन योग रहेगा दोपहर 12:48 तक और उसके बाद अतिगंड। अगर शोभन योग की बात करें तो यह योग बड़ा सजीला और रमणीय है। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग अजमाना चाहिए। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वह भी पूरी हो जाती है। खूब आनंद की अनुभूति होती है। आज रवि योग रहेगा प्रातः 6:53 से शाम 7:25 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। चतुर्दशी को तिल का तेल खाना व लगाना मना है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मकंड में कहा गया है। ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशि फल की। मेष राशि, शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति रहेगी और काम में मन लगेगा। लेखन के कार्यों में रुचि रहेगी। हर कार्य में सफलता हाथ आएगी। मौके का लाभ उठाइए, सेहत का ख्याल रखें। वृषभ राशि, एक अच्छे वक्ता के रूप में आपकी प्रतिभा जो है वो उभर कर आएगी। जिन लोगों को फाइनेंस से संबंधित व्यवसाय है उनका आज लाभ होता दिख रहा है। पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट के लिए दिन अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। अपने मन के विचारों से की गई रिसर्च सक्सेसफुल रहेगी। अपने कार्य कौशल में सुधार लेके आएंगे आप। शारीरिक बदलाव आ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप आज। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। गुप्त योजनाओं से समस्या आ सकती है और जालसाजी में फंसने से निवेश का धन वापस न मिलने से निराशा हाथ आ सकती है। चीजें रखकर भूल सकते हैं आज आप। सिंह राशि की बात करते हैं। प्रियजनों की वजह से आज धन आगमन के स्रोत बनेंगे। खान पान का ध्यान रखें, पाचन तंत्र आज कमजोर रह सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। कोई नाम और शोहरत वाली नौकरी हाथ आ सकती है। मेहनत से कार्य सफल होंगे। कार्य कुशलता में सुधार आएगा। तुला राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है, यानी कुंभ के मेले में बिछड़े भाई मिल जाएंगे। कलात्मक शिक्षा से नाम हो सकता है। अनजान व्यक्तियों से शारीरिक संबंध बन सकते हैं। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। पुरातत्व विभाग के लोगों का दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। आज मन चाहे मित्र मिलने आपके घर पर आ सकते हैं। वाहन का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। धनुराशि, सरकार से अप्रूवल मिल सकता है। जीवन साथी से व्हाट्सएप पर चैट हो सकती है। ये चैट कुछ रोमांटिक रह सकती है। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शानो शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आप आज। मकर राशि, किसी प्रतियोगिता में सफलता के कारण धन लाभ हो सकता है। किराए से धन लाभ होता दिख रहा है। पैतृक संपत्ति से धन लाभ, ईमानदारी से धन लाभ। सो आज का दिन सारा दिन धन लाभ का है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कला, खेल, धर्म के क्षेत्र में मन लगेगा।
प्रेम प्रसंगों के अवसर हाथ आएंगे, मान सम्मान मिलेगा, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, मनपसंद के कार्य में दिन बिताएं। मीन राशि की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल से लाभ, मनपसंद की वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं आप, चीज़ें छुपा सकते हैं, कोई विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन भी बना सकते हैं आप। तो ये था आज का हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज हम माता सीता की रोचक लोक कथा कहेंगे जो आपके धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, आज मेरा तो 12 वर्ष का जो नित्यनेम है, जो नित्य नियम मैं करती आ रही हूँ, वो अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊँगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती थी, कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जो जरी की साड़ी थी वो फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तो सीता माता कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत का पलका मेट मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का मटका फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम। इस तरह उसने वो कहानी पूरी करी और कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत, पड़ोस में से जो है औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे आप हम सबके भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय जय सियाराम। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप सबको सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बहुत रोचक निकले, बहुत खुशी में बीते। आपको जो जो सेलिब्रेशंस जैसे जैसे करनी है वो आप मना सकें और पूरा साल अपने गोल्स अचीव कर सकें, यही कामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। कार्यशैली में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, दोस्ती और रिश्ते निभाने के तरीकों में बदलाव। एक प्रबल इच्छा कि हर कार्य को अगर मैं अपने ढंग से करता हूँ तो मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा, मुझ पर कोई बंधन किसी प्रकार का ना हो, यह एक मन में तीव्र इच्छा रहेगी। आपको नकारात्मकता और तनाव से दूर रहना चाहिए। नए अवसर और रास्ते जो आपको मिलेंगे उन पर आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सोचते समझते हुए अपनी राह को पहचानते हुए आगे बढ़ें, खुद से जुड़ें, पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है उसको अपने जीवन में लागू करें और फोकस्ड रहें। फरवरी में मनन करके अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। मार्च में उपलब्धियों के साथ साथ भौतिक और फाइनेंशियल लाभ भी होता दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे महीने व्यस्त रहेंगे। अगर आप इस तरह से प्लानिंग करेंगे और रोज का प्रोग्राम तो आप देखते ही रहेंगे, समय समय पे मैं उपाय बताती रहूँगी, आपको एक अच्छी स्थिति में पाएंगे अपने आप को साल के आखिर में, और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको बहुत मिलेंगे। जनवरी 2025 के महीने में पुराने काम निपटा लें और फरवरी में मनन करें और अपने कौशल का विस्तार करें। तो ये था आपका वर्षफल। बात करते हैं उपाय की। हरे रंग का क्रिस्टल का जो है वो ब्रेसलेट पहन लें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं आप। गणेश जी की पूजा करें, हरी वस्तुएं दान करें, गाय चींटियों को मछलियों को भोजन दें, गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी को आप 21 दुर्वा भी अगर हर बुधवार को अर्पित करते हैं तो उससे भी गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसी वजह से बढ़ भी जाएंगे, आप तरक्की के मार्ग पर चल पड़ेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएँ, और यही प्रार्थना के साथ कि आपका आज का सारा दिन खुशियों से भरा बीते, अच्छा बीते। कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम oneworldnews.